हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज का जो मैंने लुक क्रिएट किया है, ये मैंने यूज़ किया है निका के का पैलेट जो कि है पॉइजन एप्पल। मैंने बाकी के पैलेट्स का रिव्यू किया था कुछ दिन पहले, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से वो देखें। ये लुक को आप किसी भी पार्टी फंक्शन में, वेडिंग फंक्शन या फिर फेस्टिव सीजन में कैरी कर सकते हैं एथनिक वेयर या वेस्टर्न वेयर के साथ। प्रोडक्ट्स जो भी मैंने यूज़ करे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आगे वीडियो में आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे इजीली इस लुक को क्रिएट किया है। तो गाइस विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं लूँगी ये क्रेलॉन का टीवी पेन स्टिक जो कि है FS46 शेड, इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं लूँगी शुगर, ओप्स उल्टा हो गया, तो मैं लूँगी शुगर कॉस्मेटिक का ट्रांसलूसेंट पाउडर। इसको मैं डैब करके अपने ये कंसीलर जो भी मैंने अप्लाई किया है फाउंडेशन स्टिक उसको सेट कर लूँगी। इसके बाद ये पैलेट लिया है, पैलेट में मैं सबसे पहले ये लाइटर शेड अप्लाई करूँगी, इसके बाद ये डार्कर मरून, ये वाइन शेड और ये लाइट पिंक शेड, चारों शेड मैं यूज़ करने वाली हूँ आज के लुक के लिए। तो अपना पहले बेस के लिए मैंने ये लाइटर शेड अप्लाई किया, इसके बाद मैं ये डार्क मरून काइंड ऑफ शेड अप्लाई करूँगी अपने क्रीज लाइन में। मैं इसको धीरे धीरे अप्लाई करूँगी, ब्लेंड करते हुए जाऊँगी। तो और ब्रश आपको लेना है पफ्ड ब्रश, जो सबसे पतला वाला आता है वो वाला लेंगे और अपने क्रीज लाइन में इसको ड्रॉ करते हुए जाइए और धीरे धीरे इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो गाइज ये लुक बहुत आसान है, बहुत सिंपल है लेकिन एलिगेंट क्लासी लगता है अगर आप अच्छे से इसको कैरी करेंगे, अपना हेयर डू बहुत अच्छे से करेंगे। तो इसको मैं नेक्स्ट ब्रश से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी आउटर सरफेस की तरफ, लाइक क्रीज लाइन से ऊपर की तरफ मैं ब्लेंड करते हुए ले जाऊँगी। पहले आप जब भी आई शेडो अप्लाई करेंगे तो पहले डैब करें, डैब करने के बाद ही इसको आप ब्लेंड करते हुए ले जाएँ। तो हल्के हाथों से इसको ब्लेंड करते हुए ऊपर की तरफ मैं ले जा रही हूँ इस तरह से। तो बोथ आईज में मैंने ये अप्लाई कर लिया था कलर, तो यू कैन सी द कलर इज़ रियली वेरी नाइस। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस पैलेट के साथ, थोड़ा सा ज़्यादा आपको एफर्ट लगेगा ब्लेंड करने में। तो आप अब देख सकते हैं क्रीज लाइन बिल्कुल डन है। तो नीचे वाले एरिया में अपने आईलिड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ दूसरा वाला लाइटर पिंक शेड, इसको मैं अपने आईलिड पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आप कोई भी सूट या फिर कुर्ती पहने या फिर साड़ी लहंगा पहने या फिर ड्रेस पहने, बहुत प्यारा लगता है ये कलर, लाइक किसी भी फेस्टिव सीजन के साथ जाएगा। आप वेडिंग फंक्शन अटेंड कर रहे हो या फिर फेस्टिव फंक्शन, लाइक दिस कलर इज़ रियली वेरी नाइस। और तो इसके बाद मैंने लिया है मिलानी का कंसीलर जिसका शेड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए मेंशन कर दूंगी। तो इसको मैंने आईलिड के बिल्कुल बीच से इस तरह से स्ट्रेट लाइन करने के बाद ऊपर से लाइक टी शेप देकर इसको इस तरह से हल्के से ब्लेंड करना है। तो ये लाइक कट क्रीज ही है काइंड ऑफ, इसको हेलो लुक भी कह सकते हैं आप, हेलो लुक ही कहते हैं वैसे तो। तो इस तरह से करने के बाद ऊपर से मैं डैब करूँगी पिंक वाला जो मैंने आई शेडो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, लाइट पिंक वाला शिमरी शेड, इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। तो ब्रश से मुझे बहुत प्रॉब्लम है, आपके हाथों में ही मैजिक है, तो मैं हाथों से ही मैं इसको डैब करते हुए अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। तो कभी कभी ना आई शेडो सिर्फ ब्रश से ही अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, आप अगर हाथ से बहुत अच्छे से कर सकते हैं हाथ से भी ब्लेंड करें, लाइक हाथ तो आपके हाथों में मैजिक है, ब्रश से भी ज़्यादा मैजिक है। तो इस तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद ऊपर से डार्कर शेड, मैंने थोड़ा सा ना ब्लैक शेड ले लिया था क्योंकि इस पैलेट में ब्लैक नहीं था, तो ये मेकअप रिवॉल्यूशन का मैंने ब्लैक शेड ले लिया था आई शेडो का, थोड़ा सा लाइक आउटर कॉर्नर पर स्मोकी लुक क्रिएट करने के लिए। तो थोड़ा सा आप पिंक के साथ इसको ब्लेंड कर ले। तो ये मैंने बीच वाला जो शिमरी शेड है, लाइट पिंक एंड लाइक न्यू टोन काइंड ऑफ शिमरी शेड है, इसको मैं अपने कॉर्नर्स पे अप्लाई कर लूँगी। अब मैंने ये लिया है वाइज शी का फॉल्स लैशेज, अप्लाई कर लिए ये भी। इसके बाद मैंने प्राइमर और जो मॉइस्चराइज़र है वो अप्लाई कर लिया था अपने नोज़ के ऊपर, जो मेरा बर्थ मार्क है उसको हाइड करने के लिए मैं ये क्रेलॉन का ही टीवी पेंट स्टिक अप्लाई कर रही हूँ। इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। तो आज मैं कंसीलर यूज़ नहीं कर रही अपने ब्लेमिशेस को हाइड करने के लिए, मैं इसी से करके देख रही हूँ क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे देखे थे, ये कंसीलर एंड प्लस फाउंडेशन की तरह बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो पहले मैं अपने फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले इसी से अपने ब्लेमिशेस जितने भी है उसको हाइड कर लूँगी अच्छे से, इसको ब्रश से अप्लाई कर लूँगी जहाँ पे भी आपके फेसेस में आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। तो ब्लेंड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है वो अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैंने नाइका का लिया है ये फाउंडेशन, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, स्किन जीनियस फाउंडेशन है ये,
इसका भी शेड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, लाइट वेट फॉर्मूला है इसका और अच्छा कवरेज भी देता है। अगर आप रेगुलर यूज भी करना चाहते हो तो यू कैन गो विद दिस फाउंडेशन, इट्स रियली वेरी नाइस। फॉर्मूला इज नाइस एंड सबसे खास बात है आपकी स्किन के साथ अच्छे से, नाम स्किन जेनियस है तो ये आपकी स्किन टोन के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, आपकी स्किन के साथ बहुत अच्छे से मैच करने लग जाता है। तो अब मैंने ये लिया है कॉम्पैक्ट पाउडर मेबलिन का, इसको मैं डैब करते हुए अपने फाउंडेशन को थोड़ा सा मैटिफाई करूँगी क्योंकि ये फाउंडेशन थोड़ा सा शिमरी ड्यूई सा लुक देता है। तो थोड़ा सा मैट करने के बाद मैं दोबारा वही टीवी पेंट स्टिक का जो फाउंडेशन स्टिक है वो मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर में अप्लाई करूँगी, लोअर आईज में। तो इस तरह से अप्लाई करने के बाद चिन में अप्लाई कर लूँगी, नोज़ के ऊपर अप्लाई कर लूँगी और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो ब्लेंडर मैंने लिया है, ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है मैंने बेयर ब्यूटी टूल्स से लिया है, इंस्टाग्राम में इसका पेज है और ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं इनके वेबसाइट में जाके, बहुत अच्छा ब्लेंडर है ये भी। तो अब मैंने ये शुगर कॉस्मेटिक का दोबारा ले लिया ट्रांसलूसेंट पाउडर इसको सेट करने के लिए, अपने अंडर आईज को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा सा ग्लो देने के लिए। या इट वर्क्स रियली नाइस, आपको कंसीलर की ज़रूरत ही, मुझे नहीं लगता कंसीलर की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से ये हो गया है काम जो भी है। तो मैंने शुगर कॉस्मेटिक्स का लिया है ब्रॉन्जर, इसको अप्लाई करूँगी इस तरह से अपने चीक बोन्स के नीचे। पता है मुझे शुगर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, मेरे पास गिने चुने प्रोडक्ट्स हैं शुगर कॉस्मेटिक्स, लेकिन जो भी है आई एम इन लव, आई डोंट रिग्रेट, इनसे कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना वर्थ है, बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छा है, पैकेजिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अपने आईज़ के नीचे जो भी मैंने पाउडर अप्लाई किया था वो मैं हटा दूंगी ब्रश से। तो या मैं ब्रशेस जो यूज़ कर रही हूँ वो है BH कॉस्मेटिक्स से और इसको मैंने मंगाया था इंस्टाग्राम पेज से। तो इसके बाद मैंने लिया है ब्लश वेट एंड वाइल्ड का, मेरा फेवरेट ब्लश, जो कि अभी मुझे पता नहीं है नायका में बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है, इनफैक्ट इसका शेड तक अवेलेबल नहीं है, उन लोगों ने हटा दिया है, क्या किया है। तो इसके बाद मैंने वेट एंड वाइल्ड का ही लिया है हाईलाइटर, ये सब मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, टेंशन ना लेना, अभी एकदम से वीडियो बनाते वक्त याद नहीं आता मैंने कौन सा शेड यूज़ किया है। तो इसको अपने नोज़ के टिप पे, चिन में, अपने आई सॉरी चिक बोन में, हर जगह अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद लिया है मैक का ये सेटिंग स्प्रे जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, इसको मैं स्प्रे कर लूँगी, अपने मेकअप को सेट कर लूँगी। और या वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक स्विस ब्यूटी का, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये मैंने परचेज़ किया था 200 में, 199 में सॉरी, अमेज़न से मंगाया था और इसका शेड है बेयर, बहुत ही प्यारा शेड है, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ये शेड इतना अच्छा जाएगा एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट शेड। मैंने फर्स्ट मिस्टेक वर्की का लिपस्टिक अप्लाई किया, उसके बाद ये लिपस्टिक अप्लाई किया। तो गाइज़ ये है मेरा आज का फाइनल लुक, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या फिर मेरा ये प्यारा सा लुक पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको पसंद नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं, नीचे फीडबैक में ज़रूर बताएं आपको क्या पसंद नहीं आया, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो पहले कर ही दें, क्योंकि आगे मैं और भी अच्छे वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल ज़रूर रखें।